पर क्या जाऊ जाऊ क्या मैं जो कहीं देखा ही वो चिटकनी दिख गई भैया चिटकनी। मैं कंटेंट आधा कंटेंट ये दे देता आधा कंटेंट मेरे को इसके जो खिलौने होते वो दे देते लो गिरा दी। हेलो कौन बोल रहा है? हम बोल रहे लो भैया खाना चालू। हाँ जी भैया तो 2019 में मैंने आखिरी बार क्लीन शेव करवाई थी और 2020 पूरा 2021 आधा चला गया है तो मेरी स्किन सांस नहीं ले पा रही है तो हम सोच रहे हैं कि क्लीन शेव करवा देते हैं और बालों में भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। देखो भैया लाइफ इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस, अगर कुछ मन में है कुछ इच्छा हो रही है तो कर लो ठीक है। किसी से प्यार करते हो तो बोल दो, किसी से नफरत करते हो तो ब्रेकअप कर लो, कुछ लेना है तो कमा के ले लो ठीक है। रिग्रेट मत करना फिर बाद में कि यार ये करना था ये नहीं किया। इसलिए अब बहुत सोचने समझने के बाद मैंने सोचा कि अब हम क्लीन शेव करवा रहे हैं तो क्लीन शेव करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यूँ गए और यूँ आए। हाँ जी भैया हो गया काम 25 आ गया स्वाद आ गया भैया, बहुत मज़ा आ रहा है अभी। अब मुझे पता है काफ़ी लोगों के रिएक्शन आएंगे, ये क्या कर दिया शॉक्ड, मतलब मीठा लग रहा है पागल लग रहा है, पर पागल है क्या कर दिया, जो भी बोलना आपको जो भी बोलना हो, ताने से लेके तालियाँ और तारीफ से लेके गालियाँ सब सुनता हूँ मैं ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में भैया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे नहीं ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बोलना जो बोलना ताकि मेरी वीडियो वायरल हो कुछ भी। इसके अलावा मैं रीज़न बता रहा था कि क्यों करवाया, अगर आपको भी दिख रहा हो ये एरिया है जो, और ये देखो यहाँ पे दो डॉट्स दिख रहे होंगे आपको और हल्का सा यहाँ पे, तो यहाँ ना मेरे 4-5 साल से पता नहीं जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना तब से कुछ, मतलब मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था उसके बाद से कुछ दाग रह गए तो वहाँ पे ना रिपीटेडली मतलब हर 6 महीने साल में ना कुछ उगने लगता है, मतलब उगने लगता है जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा आने लगता है। लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है स्किन को सांस लेने का मौका देना चाहिए तो वो मौका इसे आज मिला है और अभी हवा चल रही है मस्त, ऐसे सर में ऐसा लग रहा है चिंगारी लग रही है, सुर सुर आवाज़ आ रही है सर में से और गाल है गाल तो मज़ा ही आ गया, मतलब मैं हेमिल के छूता हूँ ना ऐसा लगता है कोई मेरे छूता, कोई लड़की आके पप्पी पप्पी दे देना मजा सा ही आ जाए। जिंदगी हो तो ऐसी हो जिंदा तो झाट के बाल भी। हाँ जी भैया मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो मैं अपनी लाइफ का हीरो बन जाता हूँ, आज तो हेयर कट करवाया है तो स्लो मोशन तो बनता है, सो प्रेजेंटिंग यू द आशी स्टाइल द काम बच्ची स्टाइल स्लोमो वाइट्स। खौफनाक अंदर से ये सोच मेरी खतरनाक, 70 से हट कर ये पौच मेरी पत्थर से मस्तक ये सोच तेरी अंदर से पंचर ये व्यूज तेरे खंजर से बंजर ये दोस्त तेरे मेरे ब्लाउज में हर पल सारी स्विचेस है पिचेस है नहीं पिचेस है सिग्नल बिस्किट डिफरेंस ही पिचेस है तुम्हें चिट्टे सोच से अफसोस से मदहोश है मेरे गाने ये तराने जीवन के में नहीं है माने अफसाने फसाने जो खुदा ने दिए खजाने जो। नाउ द क्वेश्चन अराइव्स कि भैया ये सब क्यों करवाया, सही तो चल रहा था अच्छे खासे बाल थे ड्रायर वायर लगा के सही हो जाते थे, बियर्ड भी अच्छी खासी आ रही थी। तो भैया देखो आई एम अ काइंड ऑफ बॉय जिसे उड़ता तीर लेने की आदत है, अब उड़ता तीर कैसे समझाऊं राजकोट वालों को नहीं समझ आया होगा लेकिन गूगल कर लेना ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। उड़ता तीर मतलब मुझे कुछ ना कुछ नया करते रहना पसंद है, कभी मैं बियर्ड कम करा देता कभी ज़्यादा कभी लॉन्ग कभी, अब इसके बाद जो बाल आएंगे ना वो आप देखोगे तो बोल ये क्या कर लिया वापस, तो मैं कभी एक चीज़ के साथ मतलब हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं रह सकता, आई एम नॉट एट ऑल जो मतलब ठीक है भैया ऐसे बाल है पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रखने ऐसी बियर्ड ऐसी रखनी है। इसलिए मैंने जिम भी ज्वाइन किया है, मैंने कब तक ऐसे दुबले पतले रहेंगे पेट बाहर आ गया है तो मैंने इसलिए जिम भी ज्वाइन किया, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो ठीक है भैया। थैंक यू इतना ब्लॉग देखने के लिए, मेरा एक बकवास सा ब्लॉग था, आई नो लो एफर्ट्स व्लॉग्स आर द बेस्ट व्लॉग्स बट लोगों को नहीं पसंद आते क्योंकि मैं यहाँ पे रॉ हूँ रियल हूँ रफ हूँ, यहाँ पे कोई स्लो मोशन नहीं है यहाँ पे कोई साउंड नहीं है यहाँ पे कोई बहुत एंटरटेनिंग बातें नहीं हो रही लेकिन यहाँ पे दिल से दिल की बातें हो रही है। तो जो लोग दिल से जुड़ना चाहते हैं वो इस व्लॉग को लाइक करके जाना, जिसे हेयर कट अच्छा ना लगा हो वो डिसलाइक करके जाना, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। के पौने गई थी राज दम के डोलो ये वगा ये तो
जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो ओ मितवा। अब आएंगे डिसलाइक दबा के, अब बंद हो जा।